रुबीना दिलेख सिद्धार्थ शुक्ला से कहती है कि सीनियर होने के नाते बनाए रखे स्थिरता। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिसेशन का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रुबीना दिलेख और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच बहुत सारे अनबन हो ही रहे थे, अब और एक अनबन हो गई है इन दोनों के बीच। जी दोस्तों, जूनियर रुबीना दिलेख पीछे नहीं हट रही है और उन्होंने वापस अपनी आवाज़ उठा दी है सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ। तो बताती हूँ आपको कि आखिर हुआ क्या। रुबीना दिलेख अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ खड़े होकर वेजिटेबल शॉपिंग कर रही थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा। जी दोस्तों, अब ये हुआ कि जब ये दोनों शॉपिंग कर रहे थे तो ये पति पत्नी के बीच ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि यार ये तो अनरीजनेबल चीज़ है कि सिर्फ दो लोग शॉपिंग करें 13 लोगों के लिए। 13 लोगों का अगर खाना बन रहा है तो सिर्फ 2 लोग शॉपिंग करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इसलिए इन दोनों की बातें चल रही थी और उस पर एक जो बयान किया गया अभिनव शुक्ला के द्वारा वो ये था अपनी पत्नी रुबीना दिलेख से कि यार हम यहाँ पे बच्चे थोड़ी पालने आए हैं। तो इस पर गौहर खान हो गई शॉक और दे दिया उन्होंने एक लुक, और वो कहती है कि आखिर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप किसी को बुला लीजिए अपनी मदद के लिए। पवित्र पूनिया ने सहमति दी गौहर खान के इस बयान को। अब मैं आपको बता दूं फिर क्या हो गया। फिर सिद्धार्थ शुक्ला आते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हैं रुबीना दिलेख से कि स्टॉप बीइंग अनरीजनेबल। तो इस पर रुबीना दिलेख ये कहती है उनसे कि आप अनरीजनेबल हो रहे हैं, आपने सिर्फ 2 लोगों को रखा है 13 लोगों के खाने की शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए जो खाना बनेगा उसके लिए जो शॉपिंग है, सामग्री की शॉपिंग करने के लिए। तो इस पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं उनसे कि मैं आपके लिए अनरीजनेबल हूँगा पर मैं अपने लिए रीजनेबल ही हूँ। तो इस पर रुबीना दिलेख तो फट से उनके जवाब तो उनके लाइक जुबान पे होते हैं और उन्हें फट से करारा जवाब दे दिया सिद्धार्थ शुक्ला को और कहती है आप सीनियर होने के नाते कुछ तो स्थिरता बनाए रखें, बीइंग अ सीनियर हैव सम स्टेचर। ये कहा है उन्होंने, स्थिरता यानी कि आपकी जो भी एक क्या कह सकते हैं रेप्यूटेशन है उसको बनाए रखे, स्थिरता बनाए रखे घर में, ये आपकी जिम्मेदारी है और उसको आप थोड़ा अच्छे से निभा लीजिए। तो इस पर सिद्धार्थ शुक्ला भी नहीं हटे हैं पीछे बाबा, सिद्धार्थ शुक्ला ने भी उनको दे दिया है करारा जवाब। तो आपको क्या लगता है, क्या इस स्टैंड के बाद क्या रुबीना दिलेख, जैसे हमेशा से वो अपनी बातें मनवाती हुई नज़र आ रही है, यहाँ तक कि उन्होंने बिग बॉस से भी अपनी बात मनवा ली है, तो क्या वो अपनी बात मनवा लेंगी और क्या हमारे जो तूफ़ानी सीनियर्स हैं उनके मदद के लिए कोई ना कोई भेज देंगे।